थंबनेल आज का देख लिए होंगे, टॉपिक देख लिए होंगे कि आज कौन टाइटल आप पढ़ लिए होंगे कि कौन से टॉपिक पे आज वीडियो है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका भी हम बहुत से हमको कमेंट आते हैं कि फ़ोन लॉक हो गया है, फ़ोन आपसे अनलॉक नहीं होता है, सर्विस सेंटर वगैरह में जाते हैं तो आप लोग हमारे साथ पास परेशानी लेके आते होंगे कि परेशानी लेके आते हैं कि मेरा ये फ़ोन लॉक हो गया है, फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश कर रहे पर फ़ोन आपसे अनलॉक नहीं हो रहा है। तो आप ये टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हमारे सर्विस सेंटर में बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनके लिए मैं एक सुविधाजनक ये बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो नहीं था कि पहले जिस समय मैं वीडियो बनाना चालू किया उस समय यूट्यूब पर ऐसा एक वीडियो नहीं था कि आपको फ़ोन अनलॉकिंग के बारे में बताया जाए। पर अभी देखिएगा कि मेरे चैनल को देखकर कॉपी कर मेरे चैनल को कॉपी करके बहुत से लोग आपको चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पर कि उनका फ़ोन अनलॉकिंग का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब पर बहुत तरीके से बताएंगे कि इस तरीके से करिएगा तो आपको पावर बटन दबाइएगा या माइनस पावर वॉल्यूम का माइनस बटन दबाइएगा, इस तरीके से आपका क्या होता है कि आपका तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है पर उसमें आपका ये होता है कि डेटा लॉस हो जाता है। पर आज मैं जो ट्रिक बताऊंगा दोस्तों उस ट्रिक से आपका एक भी डेटा लॉस नहीं होगा और फ़ोन बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। और ये सर्विस सेंटर वाले भी हम भी इस्तेमाल करते हैं इस ट्रिक को, और इस ट्रिक से आपके पास दुनिया का कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, रियल मी, वीवो, ओप्पो, सोमी, रेडमी, पोको, एमआई, सैमसंग, सोनी, एलजी, इनके अलावा भी और भी कंपनी है दुनिया में कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, तो इस ट्रिक से बहुत ईजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। और इसमें कोई सा भी लॉक लगा दिए, पिन, पैटर्न, फिंगर फेस लॉक, कोई सा भी पासवर्ड, दुनिया का कोई सा भी लॉक लगा दिए हैं तो इस ट्रिक से बहुत ही ईजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। देखिए इस तरीके से स्वाइप अप करिएगा तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड लॉक लगा हुआ है, आपके फ़ोन में हो सकता है पिन लॉक या पैटर्न लॉक लगा होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा इमरजेंसी कॉल बटन पर। देखिए फिर से बता देता है, इमरजेंसी कॉल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ इमरजेंसी कॉल ओनली का पेज ओपन होगा। यहाँ डायलर पैड पर जो मैं कोड डायल करूँगा ना उस कोड को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कॉपी पर या दूसरे फ़ोन से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक कोड नोट करना है आपको, क्योंकि जो पहला कोड रहेगा ये ऑफलाइन कोड रहेगा, इससे आपका फ़ोन ऑफलाइन मोड में हो जाएगा, इससे फ़ोन अनलॉक होने में बहुत ही आसानी होती है। इस कोड को नोट कर लीजिए, ये ऑफलाइन कोड है। और यहां स्टार हैश पे क्लिक करके इसको 7 टाइम कॉल करना है, यहां कॉल फेल आएगा इसको इग्नोर करके ओके कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक हो गया, उसके बाद इस कोड को डिलीट कर देगा। अब जो सेकंड कोड है जिसे गूगल FRP कोड कहते हैं, ये मई महीने का लेटेस्ट कोड है, अगर इस वीडियो को आप जून महीने में देख रहे थे ये कोड को ट्राई करके चेक कर लीजिएगा, वर्क करता तो अच्छी बात है, नहीं वर्क करता है तो कमेंट कर दीजिएगा न्यू कोड, तो हमारी टीम की ओर से आपको नया कोड कमेंट कर दिया जाएगा। तो देखिए ये मई महीने का ये लेटेस्ट कोड है, इसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ स्टार हैश पे क्लिक करके इसको 9 टाइम कॉल करना है, यहाँ कॉल पर क्लिक करिएगा, यहाँ कॉल फेल आएगा इसको इग्नोर करके ओके कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम कॉल करने के बाद इस कोड को डिलीट कर दीजिएगा। अब जो लास्ट कोड है जिसे मास्टर अनलॉकिंग कोड कहते हैं, इसे यूनिक कोड भी कहते हैं, स्टार हैज 899 और हैज पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए इमरजेंसी मोड कहते हैं, देखिए यहाँ इमरजेंसी मोड का पेज ओपन हुआ, इसे इंजीनियर मोड भी कहते हैं, ठीक है, इसे इंजीनियर मोड कहते हैं, देखिए इंजीनियर मोड का पेज ओपन हुआ, इसे इमरजेंसी मोड भी कहते हैं। आपको पहले इस फ़ोन में पता करना है कि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, इस फ़ोन में हमको पता करने के लिए आपको फ़ोन में यह पता करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए एंड्रॉयड वर्जन इस फ़ोन में 11 है, आपके फ़ोन में हो सकता है 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, कोई इतना भी आपके फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन है, कोई इतना भी उतना टाइम आपको एंड्रॉयड वर्जन पे क्लिक करना है। इस फ़ोन में 11 है तो 11 टाइम, आपके फ़ोन में होगा 14 तो 14 टाइम, 13 टाइम, तो इसमें 14 है तो 11 है तो 11 टाइम क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम क्लिक करने के बाद बैक हो जाइएगा, बैक होने मैनुअल टेस्ट बटन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करते हुए आ जाइएगा सेकंड पेज में, यहाँ सेंसर ऑफ सेल्फ टेस्ट, सेंसर सेल्फ टेस्टेड पे क्लिक एंड कैलिब्रेशन पे क्लिक करना है।
यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओपन होगा ये पेज। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके फ़ोन में दो दिख रहा होगा, इस फ़ोन में एक दिख रहा है। तो आपके फ़ोन में दो है तो उसको दो को हर दो बार दो में से कोई एक पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक है तो इसमें एक पास होना जरूरी है। आपके फ़ोन में हो सकता है दो होगा तो दो पास होना जरूरी है, दोनों में से कोई एक पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर दोनों लगातार आप कर रहे हैं नहीं पास हो रहा है, बहुत बार बार लगातार करना, पर लगातार भी नहीं करना है। कितना टाइम करना है तो 10 टाइम, हार्डली से हार्डली 10 टाइम करना है, ठीक है। 10 टाइम में आपका एक भी पास हो गया तो अच्छी बात है, बैक हो जाइएगा। नहीं पास होगा तो आपको फिर हम अलग तरीके से बताएंगे कि कैसे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, हम पहले इसमें एक क्लिक करते हैं, टेस्ट स्टार्टेड हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं नहीं पास हुआ, एक फिर से करते हैं, दूसरे बार भी, तीसरा बार करके देखते हैं तीसरे बार में पास होता है कि नहीं। तीसरे बार में पास नहीं हो, चौथे बार में पास करते हैं, चौथे बार में भी नहीं, छठा बार करते हैं, भले सॉरी 5 टाइम, छठा बार में करते हैं, छठा टाइम भी पास होता है, नहीं हुआ। सातवां बार में तो पक्का हो जाएगा, नहीं हुआ। आठवां बार में करते हैं, आठवें बार में भी नहीं हुआ। नौवां बार में पार करते हैं, नौवां बार में नहीं हुआ। दसवां बार में करते हैं, दसवां बार में पास नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, अब दूसरा तरीका बताते हैं। यहाँ से बैक हो जाना है, यहाँ सेंसर ऑफसेट टेस्ट पर क्लिक करना है। आपको वहाँ पर चेक कर लेना है दोनों में से क्या नहीं पास हुआ, दोनों पास नहीं हो रहा है तो तब देखिए यहाँ पर, वहाँ मेरे इस फ़ोन में एक्सेलेरोमीटर नहीं पास हो रहा, आपके फ़ोन में हो सकता है एक्सेलेरोमीटर और अप्रॉक्सीमेट होगा, तो ये दोनों लगातार आपका पास नहीं हो रहा, तो दोनों को 9 टाइम क्लिक करना है। 9 टाइम इस पे, 9 टाइम इस पे, दोनों पर अलग अलग 9 टाइम क्लिक करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम हम क्लिक कर दिए तो फिर बैक हो जाना है। बैक होने के बाद जायरोस्कोप पे क्लिक करना है, डेटा डिस्प्ले पे क्लिक करना है। यहाँ कोडिंग डिटेक्ट हो रहा है, यहाँ 31 तक यहाँ कोडिंग हो रहा है, 31 तक जब तक कंप्लीट नहीं होता, यहाँ नीचे तक कंप्लीट नहीं होता, इसके आगे का प्रोसेस हम नहीं बताएंगे जब तक कंप्लीट नहीं होता, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। तो यहाँ कंप्लीट होने देते हैं, देखिए यहाँ 31 तक कंप्लीट हो गया, बैक हो जाएंगे, बैक हो जाना है। और यहाँ एम सेंसर ऑटो टेस्ट पर क्लिक करना है, यहाँ टेक्स्ट सक्सेसफुली हो गया, बैक हो जाना है। फिर बैक होकर स्क्रॉल करते हुए आ जाएगा लास्ट अदर ऑप्शन के पेज पे। आपको इसमें चेक करना है कि गूगल की पास हुआ है कि नहीं हुआ, तो की स्टेटस पे क्लिक करना है, कुछ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ चेक करना है कि गूगल की पास हुआ कि नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर गूगल की पास हो गया, तो गूगल के यहाँ पर पास हो गया, तो यहाँ से फिर बैक हो जाइएगा। अब फ़ोन में जितने भी प्रोसेस के वो पास हुआ है कि नहीं, वो फ़ोन अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए रीडिंग और रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों जितने भी फ़ोन में प्रोसेस किए सारा पास हो चुका है, ये फ़ोन अनलॉक हो गया है, ये फ़ोन 100% अनलॉक हो गया है। तो फ़ोन को चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए बीच में आपको होम बटन पर क्लिक करना है। देख सकते हो दोस्तों ये फ़ोन अनलॉक हो गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक भी डेटा लॉस नहीं हुआ, तो वीडियो के शुरू में ही बता दिए थे कि आपका फ़ोन का एक भी डेटा लॉस नहीं हुआ और फ़ोन बहुत ही आसानी से आपका अनलॉक हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ दोस्तों एक भी डेटा लॉस नहीं हुआ और ये फ़ोन बहुत ही आसानी से अनलॉक हो गया। तो दोस्तों आपका भी फ़ोन अनलॉक हो गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।